में काम नहीं है जो मेरे सारा रंग मुकाता मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे वीवर, क्या हाल चाल है आपका, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं बिल्कुल सही होंगे, ठीक होंगे, और दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज ही जो मैं शुरू कर रही हूँ व्लॉग, आज का वीडियो वो जो मैं कर रही हूँ सेवियों से, आज मैंने कहा मीठे से शुरू करते हैं, हर रोज़ नमकीन चीज़ों से शुरू करते हैं। तो मीठे में ये सेवियाँ हैं जो मैं पकाने लगी थी, तो मैंने कहा आपको दिखाऊँ कि लेके आए, ये पता नहीं कहाँ से आई हैं, लेकिन इसके ऊपर उर्दू भी लिखा है और पता नहीं बंगाली भी लिखा है, इंग्लिश भी लिखा है, तो ये यूके से जो सामान आता है ना वो है। चलो जी बनाते हैं फटाफट सेवियाँ। ये जी दूध डाल दिया है हमने, आज हम एक नई रेसिपी से पकाने लगे हैं, तो आपने भी ऐसी पकानी है। अच्छा जी, दूध को हमने गर्म होने के लिए रखा था, अब इसमें हमें लाचियों के छिलके जो ना वो सूट दिए हैं, और ये जो ना लाचियों के दाने वो हमने कूट लिए हैं, बाद में डालेंगे थोड़ी देर बाद। ये जी नई रेसिपी के साथ हम पका रहे हैं, तो चीनी हम पहले इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। चलो अब चीनी हमने डाल दी, दूध को जरा उबाल आ जाए, फिर हम आपको आगे दिखाते हैं। अच्छा जी, दूध को उबाल आ गया था, अब इसमें हम डाल रहे हैं सेवियाँ। सेवियाँ हमने इतनी डालनी जितनी हमें ज़रूरत है, वैसे हमने इधर सामने करो ज़रा प्लेट, ये थोड़ी दूर, हाँ यहाँ, क्योंकि हमने एक प्लेट में डाली थी, तो हम देखते हैं कितनी हमारी लगती है इसमें सेवियाँ दूध में। ये हमने बचा लिए, हमने कहा अगली बार फिर पका लेंगे, ये तो बढ़िया महंगियाँ मिल दी है ना, ठीक है जी। पता कितनी की मिलती है ये, मेरे ख्याल 500 ग्राम कितने आशा सेवियाँ हमारी, और ये मैं लाचियाँ भी डाल रही इसमें। यहाँ से जी ये तकरीबन 1 यूरो 80 सेंट की या 2 यूरो की मिलती है इतनी सेवियाँ, 200 ग्राम सेवियाँ ये वाला, रुमाली सेवियाँ नहीं जिसको कहते, ये वो वाली रुमाली सेवियाँ। तो अब इसमें मैं इलायची पाउडर भी डाल दिया। सेवियाँ हमारी जी तकरीबन पकने वाली हैं, तो अब इसमें हम ये अपने मेवे और ना बादाम डाल रहे हैं थोड़े से, और हमने कुछ नहीं डालना क्योंकि हमें ज़्यादा ताकत नहीं चाहिए, तो इस वजह से हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल रहे हैं, तो आपका दिल करे तो आप भर भर के डाल लें। चले जी सेवियाँ हमारी पक गई हैं, देखा पक पक के ऊपर मलाई आ गई, तो अब ये खुद ही गाढ़ियाँ होंगी ठंडी होकर। अब हमने चूल्हा बंद कर दिया, तो अभी मैं कुछ और दिखाती हूँ आपको। यहाँ जी ये मैंने पता नहीं पहले आपको बताया है कि नहीं बताया, मुझे लगता नहीं बताया, हम ना आज इफ्तारी करवाने लगे हैं, तो ये मैंने चावल निकाल कर रख लिए, थोड़ी थोड़ी सी मैंने कहा तैयारी कर रही तो आपको दिखाऊं, तो ये इस गिलास से मैंने निकाले हैं, ये तकरीबन 4.5 है, और अगर किलो के हिसाब से लगाएं 1.25 किलो चावल होंगे। इधर जी मैंने कुकड़ी को धो धू के साफ सुथरा करके रख दिया, ठीक है जी। तो आहिस्ता आहिस्ता हम तैयारी कर रहे हैं, तो आपको साथ साथ थोड़ी थोड़ी सी ना दिखाते जाते हैं। आज जी मैंने देखचा पहले ही निकाल कर रख लिया, मैंने कहा बाद में जो मुझे प्रॉब्लम हो पिछली बार जैसे हुआ था, तो आज देखचा पहले ही निकाल कर रख लेते हैं, ठीक है जी। ये भी हमने निकाल लिया। चलें अब हम थोड़ी देर के बाद आपसे मिलते हैं, तो और क्या क्या बनाते हैं इफ्तारी में वो भी आपको दिखाते हैं। रहमान रहीम, हम फिर से हाजिर हो गए हैं अपना देगचा लेके, यानी कि देग लेके, क्योंकि इसकी शक्ल देग की जैसी है ना, तो इसलिए मैं इसको देगचा और देग दोनों बोल रही हूँ। तो इसमें हमने डाल दिया जी तेल कुकिंग ऑयल, फिर मैंने घी डाला, तो बोला तो आशा कहेगी चाची घी नहीं है। तो यहाँ पर जी हमने ले लिया प्याज, ये हमने तकरीबन 2 प्याज लिए दरमियाने साइज के, तो इसको अभी डालना गर्म करके डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, नूर ने बोला अभी सूट दो, तो ये मैंने सूट दिया। हम अभी लगे हैं चावल पकाने, क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता तैयारी कर रहे हैं, तो आज आपको थोड़ी थोड़ी सी तैयारी भी अपनी दिखाती जाएंगे, और आपके साथ बातचीत भी कर लेंगे। समझ ही नहीं आ रही, बर्तन भी गिर रहे हैं और जुबान भी जो है ना बल्क आ रही। ये जी हमने अदरक और लहसुन जो है ना कूट लिया ताज़ा डालने के लिए। चलिए जी प्याज ब्राउन हो गया, इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो डाल दिया। आहिस्ता आहिस्ता आपको थोड़े थोड़े से दिखाते जाते हैं जी, हमारे जो ना पुलाव पका कैसे रहे हैं। अच्छा जी, अदरक लहसुन ब्राउन हो गया, इसमें हमने गर्म मसाले जो है वो डाल दिए सारे, तो आशा ने ऐसे डाल दिए, तो हमें वीडियो बनाने की याद भूल गई। अब हम इसमें डाल रहे हैं गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, गोश्त यानी कि मुर्गी का गोश्त, अभी हम इसको लगे हैं पकाने। यहाँ जी जो कड़ी पत्ता नहीं होता, वो आशा ने धो के मरोड़ मरोड़ के बिच छोड़ दिता है, तो नाल ही ये सब्ज मिर्चे हैं, तकरीबन जितनी मिर्चे आपने खानी उतनी, और ये 2 टमाटर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, आज कुकिंग ये कर रही मैं, इसकी हेल्पर हूँ, ठीक है जी। मैंने कहा आज तुम कुकिंग करो, तो आज वो कर रही है। यहाँ जी हमारा चिकन जो ना हमने कितने मिनट भूना है, तकरीबन तो मेरा 5-7 मिनट हमने इसको भूना है। तो अभी इसमें डाल रहे हैं हम जी ये दही, दही के अंदर हमने थोड़े से मसाले डाले, मसाले कौन कौन से डाले वो आपको बता। अच्छा जी, दही जो है ना वो हमने डाल दिया, दही के अंदर हमने डाला था मसाला, सिर्फ पुलाव मसाला तकरीबन 2-3 चम्मच, मतलब जितना हमें लगा था कि जरूरत है। तो ये जो दही था ना प्याला, उसको ज़ाया नहीं करना आपने, उसमें पानी डाल के थोड़ा सा डाल देना, ताकि नमक मिर्च मसाले जो अंदर चले जाएँ सारे, और जायका बिल्कुल परफेक्ट रहे। अच्छा जी हमारा चिकन ओए हो, चिकन और भुन गया है, तो ये हमने चाइना का नमक जो है ना आज वो भी डाला है इसमें, ठीक है जी, 1 चम्मच डाल के। दूसरा नमक जो है ना वो हमने कम डाला है, ताकि जायका बिल्कुल टेस्ट जो है ना बराबर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे जो ना चिकन उसने घ्यो छोड़ दिया, उसने कहा मैंने कोई नहीं घी पीना है, अब हम इसमें डाल रहे हैं पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने इसकी ना देगचे के अंदर पानी डाली, मैं कितने 1 गिलास नापते फिरना, तो 1 गिलास जो रह गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जी, हूँ असी जरा पानी शानी पकता फिर तुम मिलने हैं। ये जी हमारा पानी पक गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसमें मैं चावल डाल रही हूँ,
अब कुक चेंज हो गया है कुक चेंज हो गया, क्योंकि रोजा है तो रोजे में आपको पता ना फिर बंदा थोड़ा थक ही जाता, कभी वो कर लेती कभी मैं कर लेती हूँ, तो जनानियां सारियां रल मिलकर तन पता कर ही लेंदी फिर बिस्मिल्लाह। तो ये जी हमारी जो देग है ना अब आधी तैयार हो गई और आधी आएगी। चलें जी अब फिर मिलते हैं आपसे दोबारा से। ये जी हमारे चावल आ गया दम पे, तो हम इसको बिरयानी का टच देने लगे हैं, तो हम इस पर रंग सूट देने लगे हैं। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, डालें जी डालें, डाल दिया, क्यों डालना, अनुआ ने काम यह जो मेरे सारा रंग मुकाता मेरा वैसे खत्म होने वाला था थोड़ा था, तो मैंने कहा चलो डाल दो सारा। अब मैं इस पे डाल रही हूँ पुदीना, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो ये जी पुदीना बड़ी खुशबू देता है और हजम भी हो जाते हैं चावल फटाफट। अच्छा जी धनिया भी डालने लगी मैं इसमें सब्ज। ठीक है जी, आज हमने कहा सारी खुशबू जो है एक बार ही चावलों में डाल दे, पुलाव बिरयानी बना ले जबरदस्त। तो चले जी अब इसको लगाते हैं दम। आज ही मैंने ऊपर दस्तरखान पोना दज्जी रुमाल जो जो कहते हैं सब कुछ रख के ना उससे दम दिया। ठीक है जी, मैंने कहा आज जरा इस तरह दम दे जैसे पाकिस्तान में दम लगाते हैं चावलों को। हूं साड़ी देग तैयार हो चली है, सीधा दम पुटन लगे। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें जी हमारे माशाल्लाह चावल कितने खूबसूरत हो गए हैं तैयार। अच्छा जी मैं इनको थोड़े से हरलाती हूँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और आपको दिखाती हूँ कि हमारे चावल ये देखें। हाय हाय मेरी याद ही भूल गई, मैं देख चाहे जी फल मेरे हाथ ही सड़न लगे सन। ये देखे जी कितने प्यारे चावल तैयार हो गए। मेरी नूह इतनी खुश हो गई कहती माशाल्लाह इतने प्यारे चावल पके हैं। रोजों के बीच में बंदा चावल का नमक शमक तो चेक नहीं करता, तो वैसे भी अल्लाह का शुक्र है बहुत खिले खिले खूबसूरत पके हैं। तो चले मैं जरा ना चावलों को थोड़ा सा कुछ काट करा लूं फिर आपसे मिलती हूँ, मतलब जिसको देने उसके लिए ले डब्बे में डाल लूं। ये जी हमने चावल लिए डाल जो लेके जाने हैं, तो यहाँ पर हमने आलू जो है ना वो काट के रख दिया, अभी बच्चों को लेने जा रहे हैं तो बच्चों को लेके आके फिर हम बनाएंगे समोसे वगैरह। तो मेरा ख्याल है कि ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, यहीं पर हम वीडियो देते हैं मुका और आपसे मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, मतलब दूसरी वीडियो में और वीडियो में किसी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।